हिमाचल उपचुनावों में देहरा से टिकट न मिलने पर फूट फूट कर रोए डॉक्टर राजेश। भावुक होकर उन्होंने जनता से ये तक कह डाला कि मर गया तो डेड बॉडी कांगड़ा भेज देना। एक ही बात करना, मर गया डेड बॉडी कांगड़ा। इस दौरान समर्थकों ने उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान डॉक्टर राजेश को पैनिक अटैक भी आया और उन्हें देहरा के अस्पताल में भर्ती किया गया। फिलहाल डॉक्टर राजेश की सेहत ठीक है। डॉक्टर राजेश देहरा से कांग्रेस टिकट के मजबूत दावेदार थे। देहरा से 2022 में कांग्रेस टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। उपचुनाव अधिसूचना के बाद देहरा में प्रचार कर रहे थे, लेकिन बजाय इनके देहरा से कांग्रेस टिकट सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को दी गई है। बच्चा ये धमकी दी है उन्होंने, बच्चों की धमकी दी है उन्होंने। चला।